ये देख रहे होंगे, ये नीलेश मुखिया की बेटी है। क्या नाम है बाबू? त्रिशा। किसने की है आपके पिताजी की हत्या? क्या किसने की है आपके पिताजी की हत्या? ये पप्पू धप्पू और गौरख राय, इन पे पूरा यकीन है, इन्हें नहीं की है मेरे पापा की हत्या। किन्हीं लोगों ने बताया है या ऐसे ही? नहीं पता है, पहले से पता है। हाँ पता है। और क्या कुछ कहेंगी? हाँ, जैसे कि उन्होंने मांग की थी फांसी की, तो उनको मिलना चाहिए ये चीज। अभी हूँ नीलेश मुखिया के घर पर, जिसने लोग नीलेश मुखिया की 26 दिनों पहले 7 गोली मारकर कह सकते हैं कि घायल कर दिया गया था। उसके बाद 3 दिनों पहले उनकी मौत हो जाती है। और अभी उनके घर पर आया हूँ, देख रहे होंगे यही उनका घर है। और तमाम लोगों से अभी मैं बात करूँगा कि वह क्या कुछ कहते हैं। आप लोग यहीं आसपास के हैं? जी, हम लोग यहीं। क्या कुछ कहेंगे, क्या मांगे करते हैं सर? हम लोगों का मांग वही है कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। आज 25-26 दिन हो गया, कानून व्यवस्था में कुछ हम लोगों का मने ये नहीं लग रहा है कि हाँ बिहार का कानून क्या कर रहा है, पटना पुलिस क्या कर रही है, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों को गिरफ्तारी चाहिए, अगर जो गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सड़क को जाम करेंगे। फिर से सड़क को जाम करेंगे। हमको न्याय चाहिए, हम लोगों को न्याय नहीं मिलता। पुलिस प्रशासन आई है उसके बाद इधर मौत होने उसके बाद मौत होने के बाद अभी तक कोई मैंने हम लोगों के पास मैंने नहीं आने का मैंने काम किया है लोग। हाँ, और महिलाएं हैं, क्या कहेंगे चाची जी? क्या बोल रहे हैं कि शूटर पकड़ा गया, अपराधी का है नहीं पकड़ा रहा। अपराधी पकड़ाना चाहिए ना। आज 25 दिन हो गया अपराधी नहीं पकड़ा रहा। चलिए देख रहे होंगे अभी यहाँ पर खूब कह सकते हैं कि लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिन जिन लोगों का ये लोग नाम ले रहे थे, इनके घर वाले और इनके और भी लोग, और यहाँ पर देख रहे होंगे कि अभी चिराग पासवान आए हैं और चिराग पासवान ने अभी कई बातें की हैं। क्या चिराग पासवान न्याय दिला पाएंगे? जी क्यों नहीं, उन पर बहुत हम लोग को भरोसा है, वो हम लोग को जरूर न्याय दिला पाएंगे, जरूर इनको न्याय दिला। चिराग पासवान के आने से हौसला बढ़ा है? हम लोगों को देखिए, राजनेता तो कई लोगों ने आए, रविशंकर प्रसाद जी भी आए, रामकृपाल जी भी आए और आज चिराग पासवान जी भी आए हैं। और सभी लोगों से आशा करते हैं कि हम लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे, लेकिन आगे पटना पुलिस क्या करती है वो तो देख रहे ही हैं लोग, और हम लोग समझ भी रहे हैं कि क्या होना चाहिए। मतलब पुलिस अगर शुरू में अगर इनको गार्ड देती, सुरक्षा देती, तो क्या ऐसा घटना हमारे तो फिर नहीं होता ऐसा? नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता। इन्होंने दे दिया गया था, बोला कि हम लोग को सुरक्षा चाहिए, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिला। घटना के बाद एक सुरक्षा है तो बस वही है। घटना के बाद एक सुरक्षा है यार। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग क्या करना है, अगर अपराधी पकड़ाएगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे, हम लोग धरना देंगे, हम लोग चक्का जाम करेंगे, हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। क्या आप लोग रोड जाम करेंगे अभी? जरूर जरूर करेंगे, बहुत जरूर करेंगे। कैसे थे नीलेश? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने किया है? करने वाला बगल का ही है, नाम किसी का क्या लेना सब जानता है। आप क्या कुछ कहेंगे? नीलेश मुखिया गांव के लिए मसीहा थे, उनको बगली में रहने वाले दप्पू पप्पू गोली मरवा दी है। क्या भरोसा है पुलिस प्रशासन सरकार पर कि पकड़ेगी? इतना दिन लगभग एक महीना होने जा रहा, अभी तक प्रशासन एक बार घर पर छापामारी भी नहीं की। चलिए देख रहे होंगे, ये नीलेश मुखिया के घर पर आए थे, उन्हीं लोगों से बात कर रहे थे, स्थानीय लोगों से, वो तमाम लोग अपनी अपनी बातें बता रहे थे। और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।